हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक कैनवस बनाएंगे, 3D आउटलाइनर से बनाएंगे। जैसे हम कैनवस का सोचते ही सबको बहुत टेंशन हो जाती है, कैनवस कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, लेकिन आज मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कैनवस बनाना। चलिए देखते हैं क्या चाहिए उसके लिए। कैनवस के लिए देखिए, ये मैंने राउंड कैनवस लिया है इस तरीके का। आप कैसा भी कैनवस ले सकते हैं, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, आप किसी भी तरह का कैनवस ले सकते हैं। आप बोर्ड कैनवस ले सकते हैं या कैनवस का कपड़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कैनवस नहीं हो तो आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। वाइट कॉटन क्लॉथ के नीचे हम माउंट बोर्ड शीट लगा के भी उसे यूज कर सकते हैं एज ए अपना कैनवस बना के इस तरीके से। ठीक है, एक सिंपल कोई भी ड्राइंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर इस तरह का, बटर पेपर कहते हैं जिसे हम, 3D आउटलाइनर। ये कलर चॉइस आपकी है 3D आउटलाइनर पे, आप कौन सा कलर चॉइस का क्या बनाएंगे उस पर ले सकते हैं। हम इस कैनवास पे बास्केट बनाएंगे तो बास्केट के लिए जैसे मैंने लीफ के लिए ग्रीन लिया है, फ्लावर्स के लिए रेड लिया है, इस तरीके से बास्केट बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज किया है। इस तरीके से हम कलर चॉइस लिया। आप कुछ और बनाना चाहते हो तो आप कलर चॉइस उसी तरीके की रखिएगा। मैंने ये सारे 3D आउटलाइनर्स को देखिए इस तरह से कोन में कन्वर्ट कर लिया। ये मुझे कंफर्टेबल रहता है इसलिए मैं कोन में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको ऐसे ही यूज करना है तो भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखिए ये पॉइंट रहता है, आप इजीली बना सकते हो। फेविक्रिल्स के कलर, एक्रेलिक कलर है ये। इसमें कलर चॉइस फिर आपकी चॉइस पे है। जैसे मैंने बेस इसमें लाइट कलर का दिया है, आप ब्लैक दे सकते हो, व्हाइट कोटिंग कर सकते हो, कोई भी कलर चॉइस ये आपकी है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में मैंने सारे ये कलर चॉइस किए हैं। एक ब्रश चाहिए हमें। सबसे पहले हम कैनवस को पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए देखिए मैंने येलो कलर पेंट में ले लिया है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाने का, पेंट करने का। ब्रश में लीजिए और पूरे को हम पूरे पे देखिए इस तरीके से हम ब्रश से अच्छे से हम येलो कलर करेंगे ताकि नीचे का हमारा वाइट बेस जो है वो पूरा छुप जाए। इस तरीके से हम पूरा कैनवस को कलर करेंगे और जो एजेस हैं साइड के वो भी हम इस तरीके से येलो कलर से पूरा पेंट कर देंगे। पूरा येलो कलर हमें इस पर पेंट करना है। देखिए हमारा कैनवस पेंट हो गया है पूरी तरीके से, साइड में से हमने एजेस भी कर लिए हैं। अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से पूरी तरह सूख जाएगा तब हम इस पर काम करेंगे। जब तक हमारा पेंट सूखता है हम आगे का काम करेंगे। देखिए ये मैंने बड़ी बास्केट बना के रखी है, ये सेम कैनवस के साइज़ के। आप देख रहे हैं कुछ हल्का हल्का डिज़ाइन दिख रहा होगा क्योंकि बटर पेपर इसलिए पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए नीचे वाइट पेपर रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह की हमने इतनी बड़ी बास्केट ड्रॉ की हुई है। अब हम सीखेंगे बास्केट कैसे ड्रॉ करते हैं। या तो आप कोई भी ट्रेसिंग ले लीजिए साइज़ की अगर आपको मिल जाती है, और नहीं तो बहुत ईजी है बास्केट बनाना, हाथ से भी बास्केट बन सकती है। हाथ से बास्केट बनाने के लिए मैं आपको छोटी बास्केट बना के दिखाती हूँ। आप बहुत ही सिंपल तरीके से बास्केट बना सकते हैं। जैसी आपको बास्केट चाहिए वैसी आप बास्केट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बास्केट बनाने के कई तरीके, अलग अलग तरीके से बास्केट बन सकती है। बहुत ही सिंपल तरीका है एक की, देखिए इस तरह की बास्केट बनाने का। ये देखिए मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, बहुत सिंपल बास्केट है, इजीली ये बास्केट बन जाती है। आप डायरेक्ट भी उस पर बनाना चाहें कैनवस पे तो बना सकते हैं। इस तरह की हम लाइनें दे देंगे बास्केट की इस पर। ये देखिए ये बहुत सिंपल तरीका है बास्केट बनाने का। आपको चाहिए तो जैसे मैंने बनाई है राउंड बास्केट, बिल्कुल आप इसी तरह से देखिए राउंड में बास्केट बना सकते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है, बहुत सिंपल है। सिंपल हाफ राउंड बनाया हमने, ऊपर से सर्कल ले दिया है, लाइनें डाल दी है, और इस तरीके की हम बास्केट, बहुत सारी बास्केट की वैरायटीज आती है और बनानी हमें एकदम सिंपल है। बिल्कुल भी हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें कैनवस पे करना है और ईजी तरीके से करना है। तो हम सिंपल सी एक बास्केट लेंगे और फ्लावर, जैसे आपको फ्लावर्स बनाने आते हैं आप बिल्कुल वैसे ही फ्लावर्स बनाएं।
बहुत सिंपल वाले जो अगर आपको सर्कल सर्कल डाल के जो फ्लावर बनते हैं बहुत ही सिंपल, अगर ये आते तो आप इस टाइप के बना लीजिए, सिंपल राउंड वाले, एकदम सिंपल राउंड। अगर आपको और कोई तरह के फ्लावर्स आते हैं तो आप इस तरीके के दूसरे फ्लावर्स बना दीजिए। जैसे आपको फ्लावर्स आते हैं वैसे आप फ्लावर्स और लीफ जैसे है बना सकते हैं। देखिए मैंने बहुत छोटा सा बना के दिखा, फ्लावर लीफ, ये बेसिक, एकदम बेसिक पेंटिंग जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, फ्लावर लीफ बनाना, बिल्कुल वही बनाना है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है उसे। अच्छा, वो बनाने के बाद में हम सेम जो हमारा कैनवस है, जैसे मैंने राउंड लिया है, आप रेक्टेंगल लेंगे या स्क्वायर लेंगे या छोटा बड़ा, जैसा भी जो साइज लेंगे आप, वो साइज का बटर पेपर लेंगे और उसी साइज के आप बास्केट बनाएंगे और उस पर पूरा इस तरह से रख के हम ट्रेसिंग कर लेंगे। बटर पेपर पे पूरी हम ट्रेसिंग करेंगे, जिस तरह की मैंने ये बड़ी बास्केट में ट्रेसिंग कर रखी है। ट्रांसपेरेंट इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, देखिए मैं पेपर लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी मैंने इस तरीके से बास्केट बना के रख रखी है, जो साइज की हो उसी तरह से आप ये एक बास्केट ड्रॉ कर लीजिए। देखिए मैंने भी बहुत सिंपल बेसिक राउंड वाली बास्केट ही ड्रॉ की है, आप देख रहे होंगे एकदम सिंपल राउंड वाली बास्केट है, बिल्कुल सिंपल बास्केट बनानी है बेसिकली आपको। ये देखिए हमारा पेंट अब पूरी तरह से सूख गया है, एकदम ड्राई हो गया है, अब हम इस पर बास्केट बनाएंगे। ये जो भी मैंने आपको सिखाया किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए पूरा, अभी हमें क्या करना है, ये जिस साइज का है पहले तो हमें वो सर्कल लेना है ताकि हमें बनाते समय कोई दिक्कत नहीं आए। अब इस पर सबसे पहले हम टेप लगा के इसे फिक्स कर देंगे। तो क्या करना है, जो हम जहाँ जो साइड हमने ड्रॉ किया है वो साइड हम इसके अंदर साइड रखेंगे, क्योंकि हम करने वाले हैं कॉइनिंग, कॉइनिंग कहते हैं जिसे हम पूरा ट्रेसिंग कर लेंगे बिल्कुल बटर पेपर से डायरेक्ट कैनवस पे। आप चाहें तो आप कार्बन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरा सर्कल इस पर सेट कर दिया है क्योंकि मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा था सर्कल, तो दिक्कत नहीं आई। आप चाहें तो इसे टेप लगा के सिक्योर कर दीजिए ताकि आपका हिले ही नहीं, हिलेगा तो अगर आपको आपका डिज़ाइन अगर होने का चांस होएगा। इस पर आप चारों तरफ से टेप लगा दीजिए इस तरीके से, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो हिले नहीं। टेप लगाते समय भी एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका प्रॉपर जगह पे ही है ना, हिला तो नहीं है। ये मैं बहुत इजी सिंपल तरीका बता रही हूँ, अगर कार्बन पेपर नहीं है तो भी हम बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम कार्बन पेपर लेके ही आए, सिंपल बटर पेपर होगा उससे भी हो जाएगा। ये देखिए अब देख रहे हैं ये पूरा हमारा इस पर राउंड बैठ गया। अब हमें बहुत ही सिंपल तरीका है जिसे हम फोल्ड कर लेते हैं चारों तरफ से अंदर डाल देते हैं ताकि हिले नहीं हमारा। चाहे तो आप कॉइन ले लें चाहे हाथ से ले लें, बिल्कुल मैं हाथ से बता रही हूँ आपको। याद होगा तो हम बचपन में इस तरह की चीज़ें बहुत करते थे जो जो हम आज कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इस पर घिसेंगे, इस तरह करने से हमारा पूरा डिज़ाइन नीचे पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें हमें कार्बन पेपर की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा डिज़ाइन जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट, आपका अगर फाइन हैंड है आप ड्राइंग कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी इस पर ड्रॉ करके बना सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ जिन्हें नहीं आता उनके लिए भी बहुत ईजी है ड्रॉ करना, इस तरह का सिंपल सा आप ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह कॉइनिंग करके हम दूसरा इस पर छाप ले सकते हैं। पूरा इसी तरह से हम पूरा बास्केट को, पूरी बास्केट को हम कॉइनिंग कर देंगे इस पर, बिल्कुल पूरी छाप उस पर ले लेंगे और फिर पेन से पूरा, सॉरी पेंसिल से आप पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेंगे वापस से, ताकि हमारा पूरा डिज़ाइन हमारी कैनवस पे आ सके। बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने, एक बार मैं वापस बता दूं, देखिए इस तरह का कॉइनिंग हम बहुत करते थे, वही तरीका। अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा है तो आप उठा के देख सकते हैं
कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस नीचे जो आप ड्रॉ करेंगे थोड़ा डार्क ड्रॉ करना, ताकि इजीली आपका नीचे वाले कैनवस पे पूरा छप सके आपका प्रिंट। ये देखिए हमारी कॉइनिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसे धीरे से निकाल देते हैं। निकालने के बाद में देखिए आप देख सक रहे होंगे इसमें पूरी बास्केट हमारी भर के आ गई है। ये देखिए अब इसे हम पेंसिल से थोड़ी डार्क कर लेंगे। ऐसे तो दिख रही है, फिर भी हम इसे पेंसिल से डार्क कर लेंगे थोड़ी सी, ताकि हमें जब आउटलाइनर करें इसके ऊपर तो काफ़ी अच्छे से हो जाए हमारा और हमें पूरा डिज़ाइन दिखे। इसलिए बस सिंपल तरीका है, पेंसिल लेके अभी इसे हम हल्का हल्का सा डार्क कर लेंगे, या जहाँ से आपका अगर सपोज रह गया हो उसे आप कंप्लीट कर देंगे। उसे पूरे को हम एक फाइनल ड्रॉ कर लेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरा तो पूरा आ गया है, अगर आप लोग का बाय चांस नहीं आए तो आप इसे इस तरह से पूरा ड्रॉ करके कर सकते हैं। देखिए हमारा ड्रॉ करके पूरा रेडी है। अब हम इस पर आउटलाइनर से पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बास्केट बनाएंगे। बास्केट बनाने के लिए देखिए ब्लैक कलर का मैंने जो आउटलाइनर है वो यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब जो हमने ड्राइंग किया है उस पर हमें आउटलाइनर चलाना है। एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से अब हमें पूरी बास्केट ऐसे ही बनानी है। कलर कॉम्बिनेशन आपकी चॉइस है। हाँ, आप चाहें इसे डबल लाइन देना चाहें डबल लाइन दे सकते हैं, सिंगल लाइन रखना चाहें, जितना आप इसको डेकोरेट करना चाहें अभी आपकी क्रिएटिविटी पे है आप इसको कैसे करेंगे। ओके, नीचे का पार्ट बास्केट का 3D आउटलाइनर वैसे सूखता भी बहुत फास्ट है, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी इसे बनाने में, क्योंकि आप एक पार्ट करेंगे उतनी देर में आपका पीछे का पार्ट सूख जाएगा। फिर भी थोड़ा ध्यान से करें। ये देखिए ये आप चाहें तो डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं 3D आउटलाइनर के बॉटल से, और नहीं तो जैसे आप मैंने कोन बनाया है आप वैसे कोन बना के भी कर सकते हैं। कोन बनाना मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है क्योंकि इससे मेरा हाथ चलता है, इसलिए मैं कोन बना के करती हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें पूरी बास्केट बनानी है, बास्केट की लाइंस बनानी है, पूरी हम बास्केट इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। एक बार जब हमारी बास्केट ड्रॉ हो जाएगी उसके बाद हम इस पर फ्लावर और लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल वो भी इसी तरीके से करेंगे। आप चाहें तो उसे थोड़ा भर के भी बना सकते हैं, खुला खुला भी बना सकते हैं, बट सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग बास्केट से की है। बास्केट बनाने के बाद में ये सूख जाएगा तब हम इस पर फ्लावर और लीफ पर आएंगे। बास्केट में हम देखिए बास्केट का हैंडल भी ब्लैक से बनाएंगे, बट ये जो बो है इसे हम दूसरे कलर से बनाएंगे। तो ध्यान रखें जो जो ब्लैक कलर का काम है वो आप पहले खत्म कर लें, फिर हम दूसरे कलर पे आएंगे। देखिए हमारी बास्केट बनके रेडी हो गई है कुछ इस तरह की। अब हम देखिए इस तरह का फ्लावर बनाएंगे जो ये बनाया हमने, ऐसा फ्लावर सीखेंगे हम कैसे बनाएंगे इसको। बहुत सिंपल है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें कोन चलाना है इस पर। एकदम बारीक कोन चलाना है जैसे हम बनाए हैं बास्केट। देखिए इस तरह से आप देख रहे डिजाइन बन रहा है। पूरा फ्लावर हम ड्रॉ कर लेंगे इससे।
मैंने रेड लिया है, कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं से बहुत ज़्यादा बारीक हो गया है तो उसे मोटा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा फ्लावर ड्रॉ कर लिया। अब इस पर हम इस तरीके से डबल लाइन कर लेंगे और हम बारीक बारीक राउंड अंदर भर देंगे इसी कलर के, रैंडमली डाल देंगे। इस तरीके से अब हम इसमें बारीक बारीक स्ट्रोक्स देंगे। ये आप एकदम फ्री हैंड से कीजिएगा, स्ट्रोक्स बहुत अच्छे आएंगे, छोटे बड़े छोटे बड़े। देखिए जितना फ्री हैंड से स्ट्रोक्स देंगे उतने ही सुंदर स्ट्रोक्स बनेंगे इसमें। देखा कितने बारीक बारीक आ रहे, साथ ही यहां से भी दे देंगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं देने जम रहा है तो आप ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ड्रॉ करके करने में उतना फ्री हैंड नहीं आएगा। करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ कलर को नहीं टच हो, नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा, यहाँ से हाथ पे न लगे। तो ध्यान से थोड़ा या थोड़ा थोड़ा करके कलर को सूखने का इंतजार करें, जब कलर सूख जाए फिर उसके बाद में स्ट्रोक्स दे दें आप। देखिए हल्का हल्का शेड सा भी दिख रहा है इसमें, इस तरीके से। अभी ऊपर काफ़ी जगह खाली दिख रही है, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे से डॉट्स बनाएंगे हम चारों तरफ। और एक एक फ्लावर बनाकर उसे सूखने दें, नहीं तो हाथ लग गया तो आपका पूरा कैनवस खराब हो जाएगा। इस तरह से पूरी एक साइड को हम कंप्लीट कर देंगे, फ्लावर की एक साइड की लीफ को इस तरीके से। अब देखिए पूरा बारीक बारीक हमने इसमें डॉट डाल दिए। इसी तरह से हम बाकी के इसके पेटल्स में भी इसी तरह से बारीक बारीक डॉट डाल देंगे। ये करने के बाद में जितनी भी हमारी लीफ है यहाँ पे, लीफ को हम ग्रीन कलर से कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, लीफ में भी कुछ नहीं अलग से, बिल्कुल इसी तरह से पूरा हम डेकोरेट कर लेंगे। इसे सारे फ्लावर्स पहले बना लेंगे, फिर सूखने रख देंगे, उसके बाद में हम एक एक करके लीफ बनाएंगे। ध्यान रहे कि सूखने के बाद आप करें, नहीं तो आपका हाथ लग के खराब होने का चांस रहेगा इसमें, तो इसलिए आराम से करें, कलर सूखने का वेट करें आप। ये देखिए हमारी बास्केट में फ्लावर्स बन गए हैं, इसमें लीफ बन गई है हमारी ग्रीन लीफ। अभी इसके ऊपर का जो बो है उसे हम सजा रहे हैं। ये देखिए इसमें हम बारीक बारीक डिज़ाइन कर रहे हैं, सर्कल सर्कल जैसे बना रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं अलग अलग तरह का।
इस तरह से आप सर्कल बना के भी डेकोरेट कर सकते हैं, डॉट्स डाल के डेकोरेट कर सकते हैं। पूरा पेंट भरने की बजाय बारीक बारीक हम कोन से पूरा इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सर्कल बनाए, इसी तरह से हम ये सब भी भर देंगे। थोड़ा कलर सूखने का ध्यान रख के बीच बीच में हमने ग्रीन लीफ भी बनाई है। ये देखिए इसमें मैंने बारीक बारीक साइड में गोल गोल घुमाया है इसके कोण से, जिस तरह मेहंदी में हम डिज़ाइन बनाते हैं उस तरीके से। ये जितना इसको आप डेकोरेट करोगे उतनी अट्रैक्टिव बास्केट बनती जाएगी। सिंपल लाइनिंग से हम जितना इसमें कुछ ना कुछ बारीक वर्क करेंगे उतनी अट्रैक्टिव ये बन जाएगी। जिस तरह से हमने डिज़ाइन बनाया उसी तरह हम देखिए ऊपर जो बो है उसमें डिज़ाइन बना रहे हैं। ये देखिए इसके हैंडल में हमने स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनिंग की है, जैसे इसमें सर्कल किया है इसमें डॉट्स डाला है, इस तरह इसमें हम वापस से सर्कल बना सकते हैं। ऐसे हम पूरा इस बास्केट को खूब अच्छे से 3D आउटलाइनर से पूरा डेकोरेट कर देंगे पूरे कलर्स यूज़ करके। अगर आप इसमें और कोई कलर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हर कलर का कॉम्बिनेशन इस पर बैठ जाए। ऐसा देख के आप पूरा इसे अच्छे से डेकोरेट कीजिए। ये देखिए हमारी पूरी बास्केट रेडी हो गई है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हुई बास्केट है, बहुत थोड़े से हमारे कलर्स से बनी हुई है। आप चाहें तो वैरायटी ऑफ कलर्स ले सकते हैं, वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस होते हैं, किसी भी तरह का आप बना सकते हैं। तरीका आप ये कोन में लेके बहुत इजी तरीका, अगर आपको पेंटिंग नहीं भी आती है तो भी आप कैनवस पे से बना सकते हैं। देखिए इसमें जितना आप बारीक से बारीक डिज़ाइन बनाएंगे डेकोरेट करेंगे उतनी ही ये और खूबसूरत लगेगी। आज एक कोशिश है, बहुत ही सिंपल हमने पेंटिंग से शुरुआत की है, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से। आज का कैनवस हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और इस दिवाली पे आप भी कैनवस बना के अपने घर को जरूर सजाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।